नारायणपुर के जिलाध्यक्ष कांग्रेस से नेताम जी हमारे साथ मौजूद है। आपने इस बार कांग्रेस को पुनः जिताने के लिए क्या तैयारी करके रखी है? क्या आप नारायणपुर में केदार कश्यप जैसे कद्दावर मंत्रियों को हार का सामना करने के लिए कितने तैयार? आपने कद्दावर कहा, मैं समझता हूं कि कद्दावर नहीं है। अगर कद्दावर होते तो गांव गांव तक पहुंचने की कोशिश करते। हेलीकॉप्टरों से आते हैं, हेलीकॉप्टर से जाते हैं। यहाँ से 60-65 किलोमीटर ओरछा है, ओरछा जब भी जाते हैं तो हेलीकॉप्टर को उपयोग करते हैं और हेलीकॉप्टर से वापसी। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति, ऐसे विधायक मंत्री को हम कद्दावर कैसे कह सकते हैं? उनको जाना चाहिए था, सड़क रूट से जाना चाहिए था। उसकी सरकार है, उसकी प्रशासन है, ये देखते तो शायद वास्तविक स्थिति नारायणपुर विधानसभा का दिखता। क्या लगता है आपको, नारायणपुर में जो विकास के दावे किए जाते हैं वो कितने सच हैं? क्या कहते हैं इसके बारे में? बिल्कुल विकास नारायणपुर विधानसभा का नहीं हुआ है। ये एक रास्ता है, भानपुरी फरसागुड़ा के बाद आता है, वहाँ से चित्रकूट जो ऐतिहासिक स्थल है, वो रास्ते की स्थिति गड्ढों में तब्दील हुआ है। 15 साल से उसने हमारे जो मंत्री हैं उसने बनाने की कोशिश नहीं की। और आप, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि उनके घर के सामने वाली रास्ता है, बनना ही बनना है, अभी बना रहे हैं, अभी 15 साल बाद बनाने की कोशिश हो रही है। और ऐसे मंत्री को फिर नारायणपुर विधानसभा की जनता इस बार नापसंद करेगी। पिछले बार कांग्रेस के हार का अंतर 12,000 था, क्या लगता है आपको इस बार ये दूरियां पट पाएंगी या फिर कांग्रेस यहाँ जीत पाएगी? बिल्कुल, हम 12,000 के जो अंतराल है उसको पार करके हम बिल्कुल निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे। ऐसा कांग्रेस का एक एक युवा कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता, इन लोग सब तैयार हैं जीतने के लिए। चलिए, देखने वाली रोमांचक बात होगी, क्या यहाँ के कद्दावर मंत्री नारायणपुर से फिर से जीत पाते हैं या कांग्रेस की ये जन समर्थन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि काफी मात्रा में इनके समर्थक भी जुटे हुए हैं। जिस प्रकार से ये तैयारियां चल रही, देखने वाली बात होगी नारायणपुर विधानसभा किसके खेमे में जा पाती है। कैमरामैन आकाश विश्वास के साथ मैं सारा।